साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से कुछ लोग हमारे पास बातचीत लेके आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कुछ फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून विधानसभा में बनाने को तैयार है, कुछ फसलों पे बोनस देने को तैयार है, जो बिजली के हाई टेंशन वायर निकलते हैं उनके खंभों का मुआवजा दुगुना करने को तैयार है, फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव करने को तैयार है। आप बताइए आपका स्टैंड क्या है। हमने उनको स्पष्ट कह दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का स्टैंड ये है कि हमारी 12 मांगे पूरी करी जाए, MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून पूरे देश में बनाया जाए, किसान मजदूरों की कर्ज माफी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जाए और C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए। इस तरीके से हमारी मांगे स्पष्ट है और यही हमारा स्टैंड है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फसलों पे बोनस देने का ऐलान कर ही नहीं सकती, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में यह आदेश पारित कर दिया था, जो भी स्टेट गवर्नमेंट फसलों पे बोनस देगी अपने किसानों को, उस स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। और जो MSP गारंटी कानून का विषय है, ये फसलों की प्रोक्यूरमेंट से जुड़ा हुआ विषय है और फसलों की प्रोक्यूरमेंट का मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये मुद्दों, इन मुद्दों का हल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इन मुद्दों का हल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। जो वो लोग हमारे पास बातचीत लेके आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कुछ अन्य लोगों से भी बात कर रही है। हम एक बात सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, जो हमारे सरकार के जो माननीय मंत्री जी हैं उनको स्पष्ट कहना चाह रहे हैं, जिससे आपका मन करे आप उससे बात करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिसके साथ आप मीटिंग करना चाहते हो उसके साथ मीटिंग करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि सरकार को ये लगता है कि वो किसी अन्य लोगों से बात करके किसानों के गुस्सों को शांत कर देंगे या किसी अन्य लोगों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। पिछले आंदोलन के दौरान भी कुछ लोगों ने चोरी छिपे सरकार को चिट्ठी लिखी थी, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रास्ता उनका नहीं निकल पाया, सरकार भी फेल हो गई और वो चिट्ठी लिखने वाले भी फेल हो गए थे। जब हमारा ये दूसरा आंदोलन शुरू हुआ 13 फरवरी से, आंदोलन शुरू होने के बाद कुछ लोगों को एक दिन का शो करने के लिए सरकार ने दिल्ली आने दिया था, वो एक दिन का शो करके दिल्ली से वापस आ गए, लेकिन उसके बाद भी किसानों की नाराजगी सरकार से दूर नहीं हुई। तो सरकार ये बात समझ ले कि हरियाणा का किसान आंदोलन की मांगों के साथ जुड़ा है, आंदोलन के साथ जुड़ा है, मोर्चों के साथ जुड़ा है, वो किसी नेता के पीछे नहीं है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक पूरे देश के लिए MSP का गारंटी कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसानों की नाराजगी दूर नहीं होने वाली। अगर सरकार ये सोचती है कि हम किसी और लोगों से, जिन लोगों ने 13 फरवरी के आंदोलन का विरोध किया उन लोगों से सरकार बातचीत करके किसानों का गुस्सा शांत कर देगी या कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार पहले भी इस मुद्दे पे गलत साबित हुई, अब भी गलत साबित होगी और आगे भी गलत साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।